हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू आर प्लेटफॉर्म क्रीज पॉन वो वनडे सीरीज़ जीतने के बाद पाकिस्तान टीम के जो फैंस थे इंक्लूडिंग जो हवाओं में हो रहे थे काफ़ी वो अब टी ट्वेंटी सीरीज़ हारने के बाद आहिस्ता आहिस्ता लैंड हो रहे हैं और पाकिस्तान टीम जो है पहले पहला मैच बारिश मुतासर हो गया था पाकिस्तान वो मैच भी हार गया हा, दूसरा मैच भी अब पाकिस्तान जो है काफ़ी लोग कहीं क्लोज आके हारे लेकिन मेरे हिसाब से पाकिस्तान जो है वेल बिफोर द मैच पाकिस्तान मैच हार गया हुआ था जी आज के मैच को मतलब वही बात है कि बैक टू

आपकी आपकी कोई इंटेंट नहीं नजर आई पहली बाउंड्री आपने ओवर में जाकर लगाई है रिजवान ने एंड द वेरी नेक्स्ट बॉल वो आउट हो गए और आप 148 चेज करने जा रहे हैं पता नहीं आप पर किस चीज का था। जितना भी दुनिया का मुश्किल विकेट हो रिजवान कह रहा था विकेट बहुत मुश्किल था जितना भी मुश्किल विकेट हो आपकी एक इंटेंट होती है एक चीज नजर आती है कि आप चेज करने जा रहे हो आप डिफेंसिव हो आप अग्रेसिव हो क्या हो तो आपका जब टॉप ऑर्डर पे आपका छब्बीस बारह रन लगा हुआ होगा और फिर आप नीचे बच्चों पे डाल देंगे इरफान नियाजी और छोटे छोटे उस्मान खान इन बच्चों पे और फिर उसके बाद विकेट मुश्किल है ये बड़ी पॉइंटलेस और लॉजिकलेस वही वही बात जो हमने पहले भी की ये मसले पाकिस्तान के साथ बहुत पैसे से झल रहे हैं किसी इंडिविजुअल का मसला नहीं परफॉर्मेंस का मसला नहीं वही अप्रोच का एक माइंडसेट का मसला है कि पाकिस्तान किस तरह अप्रोच करता है इस टी ट्वेंटी फॉर्मेट को स्पेशली हम बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं अपनी बॉलिंग पे कि बॉलिंग हमें मैच जिताएगी मुझे नहीं याद पड़ता कि बैटिंग ने बॉलिंग ने हमें बहुत अपने बलबूते मैच जितवाएंगे वन साइड करके लेकिन बैटिंग ने कभी भी हमें मैच निकाल के नहीं दिया कोई भी है सच अभी आज भी देखें मुझे एक और चीज़ समझ नहीं थी कि जैसे अब तीन साल से बाबर रिजवान ओपनिंग कर रहे हैं और हमारा अगला टी वर्ल्ड कप जो है वो डेढ़ साल के बाद है

जब उनसे एक्सपेक्टेशन थी कि अब वो कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे क्या वो कुछ करके दिखाएंगे हमने उनको ड्रॉप कर दिया मोहम्मद आरिस की एक और एग्जाम्पल है वर्ल्ड कप में उन्होंने परफॉर्म किया हमने उनको रेस्ट दे कि के उनका केस कितना खराब कर दिया फ़खर जमान का केस एक और है बिन यूसुफ जो है वो भी बाहर बैठे हुए हैं ये तो वो प्लेयर्स हैं जो रेडी रेडी हैं जो जिनको सिर्फ सपोर्ट की जरूरत है ऐसा हमने कोई प्लेयर तैयार भी नहीं किए फिर हम एंड पे आगे कहते हैं कि हमारे पास तो ऑप्शन ही यही है कि हम क्या कर सकते हैं आप इमेजिन करें कि आपको जो टॉप फाइव है उसमें आप चार एंकर्स के साथ खेल रहे हैं दुनिया एक एंकर भी खिलाते हुए सोच रही है कि हम अब टी ट्वेंटी में खिलाएं क्या खिलाएं इंडिया ने अभी कल जो है टू एटी थ्री रन किए ऑस्ट्रेलिया ने आज जो है पहले तीन ओवर में पचास रन किए ऐसा नहीं है कि हमारी बॉलिंग बहुत बुरी थी या कुछ है अगली टीम का इंटेंट भी होता है वो चीज़ वो भी चीज़ें दे होती हैं बिल्कुल वही बात है कि आप नई चीज़ें ट्राई करने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं जिस तरह लास्ट मैच में हमने हसीबुल्ला को खिलाया तो देखा सात ओवर के मैच में हसीबउ को खिलाया और नंबर सेवन पर हम उसे बैटिंग करने हैं टॉप ऑर्डर में चार करनेकर लेके बैठे हैं ठीक है फिर यही होना कि दसवें ओवर तक आपकी कोई बाउंड्री नहीं होगी अगर अब सिडनी में वन फोर्टी एट अब चेज नहीं कर पा रहे तो फिर ठीक है लाहौर में वो लास्ट मैन स्टैंड एक लीग होती है वो ओवर एज क्रिकेटर्स की उनमें खेलने जाके आप इंटरनेशनल टी को छोड़ दे और फिर आके बाल आके बाल हमने बड़ा वावेला किया तो मेरे ख्याल आके जब के पास वनडे और टेस्ट जीतने का सलूशन था टी ट्वेंटी शायद उनके टाइम पे होता नहीं था तो उनके पास उसके घुर नहीं है तो मेरे ख्याल में यही है कि हमने अभी हम वापस भी आएंगे तो मेरे ख्याल में हमारी टी ट्वेंटी पे इतना भी बात नहीं होगी क्योंकि हम ओडीए सीरीज जीते हैं तो वो चीज़ हमारा वही है कि हम तो इतना एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे तो वो बाकी सारी चीज़ों को कवर अप कर देगा या अगर हम लास्ट टी ट्वेंटी जीत के तो पिछले दो पे मट्टी डाल जाएगी

हाँ वन सेवेंटी वन सिक्सटीज के राउंड आउट रहते हैं। आपकी बॉलिंग में उनको बीस पच्चीस रन कम पर रोका और आप ऊपर से फिर भी पंद्रह रन शॉर्ट हो रहे हैं यानी आप चालीस पैंतालीस रन से आप हार रहे हैं ठीक है आप कह सकते हैं कि बॉलिंग में नसीम शाह को रन पड़ गए शाइन को दो रन पड़ गए लेकिन जिस तरह बाकी बॉलर्स ने कम किया एज अ कलेक्टिव परफॉर्मेंस देखी जाए ताकि बॉलिंग में बहुत अच्छी पोजीशन में आपको रख दिया था बल्कि मैच जो है आपके हाथ पे रख के दे दिया था आपने बिल्कुल सिक्स एंड सेवन रन एंड ओवर के अप्रोच से आपने जाना था लेकिन वहाँ भी आपने बिल्कुल जैसे रिजवान की बात की रिज़वान ने च, 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 चार ओवर में जो पहले चौबीस बॉलें खीं उनमें से बारह रन बनाए बिल्कुल बिल्कुल वो डेड के साथ खेल रहे 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 थे, कर रहे थे, लीव कर रहे थे। बॉल बॉल कर कर लीव तो जब आप इतना मार्जिन छोड़ेंगे नीचे नए ने और इस्मान खाने फिर भी मैच अच्छा थोड़ा मैच अच्छा थोड़ा बनाया, लेकिन फिर भी ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं थी कि वो इतना मैच बनाए वही बात है कि आपकी,

अब रिजवान खेल रहे हैं एक वन फोर्टी एट आपने चेज करने और रिजवान को भी पता है मेरे पास नंबर पाँच तक एंकर है ठीक है रिजवान फिर ड्रॉप इन रन ड्रॉप इन रन उनमें फिर एक वो यावी बॉल का जो ओवर था उसमें एक रन बना और उसमें वो प्रॉपर लीव कर रहे हैं जिस तरह टेस्ट मैच खेल रहे हैं एंड देन जब उन्होंने जाके एक रोज़ा तोड़ा शॉट मारने की कोशिश की और वेरी नेक्स्ट बॉल वो कैच दे के चलेंगे फिर आप साहेबजादा फरहान को वन डाउन खिला रहे हैं उसके बाद आगा आ रहे हैं तो वही बात है कि चार एंकर आपने खाए हुए हैं आज की टी ट्वेंटी क्रिकेट में वही वाली बात है ना हम वही प्रेरटाइज़ कर रहे हैं एवरेज ओवर स्ट्राइक रेट को जबकि बाकी सारी दुनिया जो है वो शॉर्ट कैम्यूज़ की के तरफ जा रही है कि आपने स्ट्राइक रेट को प्रेफर करना है एवरेज के ऊपर और एक और चीज़ ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया के भी जो हैं ये फुल स्क्वाड नहीं है लेकिन फिर भी आप देखें आप उनसे हार रहे हैं वो कोई इशू नहीं है ऑस्ट्रेलिया में जाकर हम टीम स्ट्रगल करती हैं इशू नहीं है लेकिन आपकी इतना बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है कि उनके बच्चे आके आपको इस तरह मार रहे हैं कि वाको तीन तीन ओवर पचास मार रहे हैं आपको बिल्कुल अपने इंटेंट से बिल्कुल साइड पे लगा रहे हैं दस ओवर में आप उनको चालीस रन से बुला पा रहे हैं टेस्ट मैच रस को आप टी ट्वेंटी बना रहे हैं तो ये मेरे खास बहुत ही मतलब डिसअपॉइंटिंग चीज़ है पाकिस्तान के लिहाज से रिडिकुलस मतलब इस चीज़ आ, आप ठीक है लोग बहुत कहेंगे कि हम अभी तो ओ सीरीज जीते हैं ये है वो है सब कुछ ठीक है लेकिन वो ओ थे और वहाँ पर भी आप जीते अपनी बॉलिंग के बलबूते हुए जीते हैं सेकेंड मैच में ठीक है आपके पास आपकी बैटिंग ने अच्छा परफॉर्म किया आपके पास टोटल जो थे वो कम थे लेकिन आप वहां पर भी जीते हैं एक चीज वेरी क्लियर कि आप अपनी बॉलिंग से जीते हैं आज भी आपने मैच बनाया अपनी बॉलिंग से बनाया मुझे नहीं याद पड़ता कि लास्ट टाइम हम कब टी ट्वेंटी में अपनी बैटिंग की वजह से जीते थे मुझे तो एक वो याद आता जब आपने दो सौ चेज किया था गेस्ट इंग्लैंड नेशनल स्टेडियम कराची में और एक साउथ अफ्रीका के हमने दो सौ चेयज किया तो साउथ अफ्रीका में तो हमने वो मैचेज जीते हुए अपनी बैटिंग से उसके बाद मुझे बैटिंग से जीते हुए मैचेस नहीं को याद आ रहे आप टोटली पे लाई कर रहे हैं सब कुछ और फिर जिस दिन बॉलिंग बुरा परफॉर्म कर दे उस दिन तो फार श्योर आपने हार नहीं होता है

ठीक है हारे कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए हमारी अप्रोच भी कोई बड़े अरसा दराज से इस तरह की चल रही है लेकिन एक पॉजिटिव चीज थी ये और दूसरा उस्मान खान पे बड़ा चल रहा था शायद के यू ए रहने देते इनको लेकिन उन्होंने भी आज शिफ्टी की है और न्याजी का भी वही वाली बात अच्छा आप अगर उस्मान खान को देखा जाए कि वो लगता है कि थोड़ा वो उनके पास इतना रेंज ऑफ स्ट्रॉक्स नहीं है लेकिन फिर भी उनका एक नज़र आदा प्रोसेस किया है कि उन्होंने कौन से बोलों को टारगेट करना है उन्होंने स्पिनर को टारगेट करना है उनके फिफ्थ ऑप्शन को टारगेट करना है एक नज़र आ रही है चीज़ कि क्या कि 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 किस माइशर से खेल रहे हैं वो चीज़ आपको नजर आती है फिर भी उन्होंने एक जो किफ़्टी की उनका स्ट्राइक रेट भी वन फोटी फाइव वन फोटी सिक्स के राउंड अबाउट था फिर एक और जो पॉजिटिव था वो अब्बास सफ़ीदी को लोग काफ़ी इतना रेट नहीं करते मेरे हिसाब से अगर मॉडर्न डे गेम के हिसाब से बात करें जहाँ पे जब सबको फ्लैट बैटिंग डेस्क हो तो वहाँ पे इन इन जैसे बॉलर्स की वेरिएशन और स्लोअर बॉल्स बैक ऑफ दैंड जो चीज़ें हैं वो बहुत काम आती हैं हाँ उनका भी वही एक चीज बन की हुई है जिस तरह शुरू में था ना कि शहीन आते हैं बाल आगे करते हैं बैट्समैन को पता होता है करेंगे अंदर आएगा खेला नहीं जाएगा आज नजर आ रहा है मैक्सवेल को पता है टिम डेविड को पता है कि बैक ऑफ हैंड स्लोअर बॉल करेंगे और लेकिन नहीं खेला जा रहा नहीं खेला जा रहा